लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव के नामांकन के बाद चुनाव प्रचार तेज हो गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा आज से यूपी के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। पहले दिन वो अमेठी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। अमेठी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद प्रियंका वाड्रा 28 मार्च को रायबरेली में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी, फिर 29 मार्च को अयोध्या पहुंचेंगी। चर्चा है कि प्रियंका अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन करने पहुंचेंगी। मिशन 2019 को फतह करने के लिए पीएम मोदी कल यानी 28 मार्च को रुद्रपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे पहुंच रहे हैं। पीएम की जनसभा को लेकर बीजेपी और स्थानीय प्रशासन तैयारियों को आखिरी रूप देने में जुटा है। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद रुद्रपुर में 28 मार्च को पीएम पहली बार पहुंच रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवारों की 10वीं लिस्ट में यूपी से मौजूदा 6 सांसदों के टिकट काटे गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम मुरली मनोहर जोशी का है। पार्टी ने कानपुर से इनको दोबारा टिकट नहीं दिया है। बीजेपी की लिस्ट में रामपुर से नेपाल सिंह, इटावा से अशोक कुमार दौरे, बाराबंकी से प्रियंका रावत, कुशीनगर से राजेंद्र पांडे और बलिया से भारत सिंह का टिकट काट दिया है। अभिनेत्री और पूर्व समाजवादी पार्टी नेता जया प्रदा ने बीजेपी का थामन थाम लिया। बीजेपी में एंट्री के साथ ही जया प्रदा को बीजेपी ने रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के खिलाफ चुनाव मैदान में भी उतार दिया है। जया प्रदा ने सदस्यता ग्रहण करते वक्त कहा कि पीएम मोदी के हाथ में देश सुरक्षित है। इस दौरान उन्होंने अमित शाह को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि अब तक जो काम किया मैंने वो दिल से किया। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता और राज्यसभा सदस्य अमर सिंह की करीबी सहयोगी जया प्रदा सपा के टिकट पर रामपुर से सांसद रह चुकी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुजरात के अहमदाबाद में चुनावी जनसभा की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कांग्रेस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और सेना का अपमान करने का आरोप लगाया है। सीएम के मुताबिक 2014 से पहले देश में आतंकी वारदात होती थी तो तत्कालीन सरकार जवाब देने की बजाय आतंकियों को सुरक्षा मुहैया कराती थी। योगी सरकार ने मोदी बनने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का भी जिक्र किया। सीएम ने दावा किया कि मोदी सरकार ने आतंकवाद की कमर तोड़ी है और सरकार के एक्शन को पूरी दुनिया का समर्थन भी मिला है। मंगलवार को अमेठी लोकसभा क्षेत्र में हुई विजय संकल्प सभा में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने रामलीला मैदान में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अमेठी की जनता को संबोधित किया। उन्होंने जनता से स्मृति ईरानी को विजय बनाकर इस बार भी दिल्ली में कमल खिलाने की अपील की। अमरोहा के नौगवां सादात इलाके में मंगलवार को बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर के पक्ष में जनसभा करने कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचे। मुख्तार अब्बास नकवी ने पत्रकारों से बात करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पहले चरण के चुनाव के लिए मुजफ्फरनगर में कुल 22 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए, जिनकी समीक्षा के बाद जिला प्रशासन ने 12 नामांकन पत्रों को रद्द कर दिया है और 10 नामांकन पत्र को मंजूर दिया गया है। विनय कटिया ने कहा है कि कांग्रेस सेना के स्ट्राइक का सबूत मांगती है। पाकिस्तान से अघोषित युद्ध चला रहा है सेना को पीएम मोदी ने 1,00,000 बुलेट प्रूफ जैकेट दिए, लेकिन आतंकवाद की पैदाइश कांग्रेस की देन है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए एक और लिस्ट जारी की है, जिसमें 3 उम्मीदवारों के नाम है। एटा से देवेंद्र यादव, पीलीभीत से हेमराज वर्मा और फैजाबाद लोकसभा सीट पर आनंद सेन को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। लोकसभा चुनाव के लेकर कुछ दिन पहले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के दिए बयान पर एसपी नेता आजम खान ने तंज कसा। आजम खान ने कहा कि अगर देश की सत्ता एक बार फिर बीजेपी के हाथ में चली जाती है तो यकीनन ही इसके बाद फिर कभी हमें वोट डालने का मौका नहीं मिलेगा। बता दें कि साक्षी महाराज ने बयान दिया था कि 2019 के बाद देश में लोकसभा चुनाव नहीं होंगे और पीएम मोदी देश के पीएम रहेंगे। बीजेपी के विजय संकल्प जनसभा में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। संतोष गंगवार ने राहुल गांधी के 72,000 वाले बयान पर चुटकी ली, कहा कि देश में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही और अब भी कई राज्यों में उनकी सरकार है, पहले वहां कुछ करके खाएं।
लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन के आखिरी दिन हाथरस में बीजेपी प्रत्याशी समेत कुल 6 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। हाथरस लोकसभा सीट से अब कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी ने सीट पर अपने मौजूदा सांसद राजेश दिवाकर का टिकट काटकर इगलास विधानसभा से विधायक राजवीर दिलेर को प्रत्याशी बनाया। दिलेर के पिता कृष्ण लाल दिलेर हाथरस से 4 बार सांसद रहे। चुनाव में बीजेपी का मुकाबला समाजवादी पार्टी BSP RLD के संयुक्त प्रत्याशी रामजी लाल सुमन और कांग्रेस प्रत्याशी त्रिलोकी दिवाकर से है। मेरठ ठाकुर लोकसभा सीट पर कुल 15 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। हालांकि 74 पत्र खरीदे गए थे, लेकिन नामांकन पत्र महज 15 ही दाखिल किए गए। मुख्य प्रत्याशियों में बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल, गठबंधन के BSP प्रत्याशी हाजी याकूब और कांग्रेस के हरेंद्र अग्रवाल हैं। विजय संकल्प रैली के तहत बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटिया ने बस्ती में चुनावी बिगुल फूंका। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए विनय कटिया ने कहा कि आतंकवाद कांग्रेस की खोख से पैदा होता है। यूपी रेरा के पीठ ने बिल्डर्स और बायर से जुड़े कल 131 मामलों में सुनवाई की। इनमें से 7 मामलों में यूपी रेरा की पीठ 2 ने पार्श्वनाथ बिल्डर को ब्याज सहित बायर्स के पैसे लौटाने का आदेश दिया है। यूपी रेरा की पीठ ने सुनवाई के बाद पार्श्वनाथ बिल्डर्स को बायर से पैसे ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया। पीठ के आदेश के बाद बिल्डर को 45 दिनों में बायर्स की आधी रकम देनी होगी और बची हुई राशि 1 साल के अंदर ब्याज सहित लौटानी होगी। उन्नाव के उगू के RLRP डिग्री कॉलेज में BSSC के परीक्षा के दौरान छात्रों ने एग्जामिनर ने जमकर नकल करवाई, जिसकी तस्वीर अब सामने आई है। तस्वीर में एग्जामिनर खुद बोर्ड पर प्रश्नों के उत्तर लिख रहा है, साथ ही खुलेआम किताबों से सवालों के जवाब भी बताए जा रहे हैं। मामला निरंजन सिंह डिग्री कॉलेज का है। बताया जा रहा है कि तस्वीर 4 दिन पुरानी है, जो अब सामने आई है। नकल का वीडियो सामने आने के बाद DM ने मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। लखनऊ के हजरतगंज में चेकिंग के दौरान करीब 70 लाख रुपए पकड़े गए। जिस कार से ये रुपए बरामद हुए, उसमें 3 लोग बैठे हुए थे। पकड़े गए इन 3 लोगों का कहना है कि टोल का पैसा कंपनी में जमा करने जा रहे थे। हजरतगंज पुलिस और फ्लाइंग स्क्वाड जांच पड़ताल में जुटी है। पूरा मामला हजरतगंज थाना क्षेत्र का है। आगरा के वाटर वर्कर्स पूल पर चलती हुई कार में आग लग गई। कार चालक ने कूदकर जान बचाई। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, तब तक कार जलकर राख हो चुकी थी। इटावा के बकेवर इलाके के नेशनल हाईवे 2 पर चलती कार में आग लग गई। हालांकि ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन जरा सी देर में कार जलकर राख हो गई। सहारनपुर थाना मंडी पुलिस और स्वाट टीम कुछ दिन पहले हुई छात्र की हत्या के मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से अवैध हथियार बरामद किए गए। पकड़े गए आरोपियों ने 3 हफ्ते पहले अपने घर में बैठे हुए युवक की गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। जानकारी के मुताबिक हत्या प्रेम प्रसंग में की गई थी। बरेली के भितरी चैनपुर में रात को ट्यूबवेल पर सो रहे किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई की। आगरा कलेक्ट्रेट में पति पत्नी और वो का हाई प्रोफाइल मामला सामने आया। कलेक्ट्रेट में नामांकन भरने आए प्रत्याशी के समर्थक की पत्नी प्रेम प्रसंग के चलते अपने प्रेमी के साथ कलेक्ट्रेट में कोर्ट मैरिज करने आई थी। पति ने पत्नी और प्रेमी को रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर दोनों परिवारों के बीच जमकर हंगामा हुआ। रायबरेली के उचहार कोतवाली के क्षेत्र के कमलापुर गांव में कब्र खुदी मिलने पर सनसनी फैल गई। लोग बड़ी संख्या में मौके पर इकट्ठा हुए और पुलिस को बुलाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बरेली में बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा के भाई रमेश मिश्रा की गौशाला से 3 गाय चोरी हो गई, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। गायों की बरामदगी के लिए पुलिस ने टीम को गठित कर दिया है। बैराज के चरवल विकासखंड क्षेत्र के सरकारी स्कूल में झाड़ू लगाते बच्चों की तस्वीरें सामने आई। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि शिकायत मिलने दोषी टीचरों पर कार्रवाई करेंगे।
अमित शाह ने पिछली सरकार पर लगाया खून की दलाली करने का आरोप, कहा पिछली सरकार ने आतंकियों को बिरयानी खिलाई, हमने कार्रवाई की। अमित शाह ने कहा कि पिछली सरकार ने आतंक के खिलाफ कुछ नहीं किया और जब आतंक के खिलाफ एयर स्ट्राइक की गई तो कुछ लोगों को दर्द हुआ। स्मृति ईरानी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, कहा कि जो लोग कोर्ट में राम के अस्तित्व को नकार चुके हैं वो राम भक्ति में जुटे हैं। स्मृति ने कहा कि हिंदुओं को आतंकी बताने वाले लोग जनेऊ पहनकर घूम रहे हैं, मंदिर मंदिर में ये घूम रहे लोग। बीजेपी की नई लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नाम, यूपी के 29 और पश्चिम बंगाल के 10 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने डायमंड हार्बर सीट से निरंजन रॉय को उम्मीदवार बनाया, अब तक राज्य में 40 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। दिल्ली की 7 सीटों पर 31 संभावित उम्मीदवारों के नाम, संभावितों में हाल ही में पार्टी में शामिल हुए पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर का भी नाम शामिल। समाजवादी पार्टी ने घोषित किए 3 उम्मीदवार, एटा से देवेंद्र यादव, पीलीभीत से हेमराज वर्मा और फैजाबाद से आनंद सिंह को टिकट मिला। कांग्रेस ने भी यूपी में 3 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए, यूपी में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल। अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर आज कांग्रेस में शामिल हो सकती है, सूत्रों के मुताबिक मुंबई नॉर्थ से कांग्रेस उन्हें टिकट दे सकती है। कल कांग्रेस में शामिल होंगे बीजेपी के बागी शत्रुघ्न सिन्हा, पटना साहिब से मिल सकता है लोकसभा का टिकट। आज हो सकता है दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच का गठबंधन का ऐलान, सूत्रों के मुताबिक आप 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। बीजेपी ने चुनाव आयोग से असदुद्दीन ओवैसी के नामांकन को रद्द करने की मांग की, बीजेपी के मुताबिक ओवैसी को 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम गायब। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन खत्म, 13 राज्यों के 97 सीटों के लिए उम्मीदवारों ने पर्चा भरा, वोटिंग 18 अप्रैल को। भगोड़े नीरव मोदी के पेंटिंग्स के आयकर विभाग ने कराई नीलामी, 55 पेंटिंग्स से वसूले गए करीब 55 करोड़ रुपए। बैंकों का हजारों करोड़ रुपए लेकर फरार नीरव मोदी की 68 पेंटिंग्स को नीलामी में रखा गया, 13 पेंटिंग्स को कोई खरीदार नहीं मिला। पाकिस्तान ने फिर किया नौशेरा सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन, भारतीय सेना ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब।